दोस्तों आज मैं वाइंडिंग करने वाला हूँ, एक क्रोमटन की स्टैंड फैन है। तो वाइंडिंग करने से पहले मोटर की पहले बेसिक जानकारी। स्टार्टर लेंथ 1 इंच, इनर ढाई 2.5 इंच, आउटर ढाई 4.5 इंच। इसमें 7 नंबर की पीवीसी पेयर मैंने इंस्टॉल किया है। 24। दोस्तों आप देख सकती हो मैंने रनिंग कॉइल 30 नंबर कपर वायर से बनाया है। तो टोटल 4 कॉइल बनाया। इसमें जो टर्म है 90 टर्म है। तो इसका कॉइल का जो लेंथ है गुलाई में 35 इंच, गुलाई में 35 इंच। तो चलिए पहले इसे स्टार्टर में इंस्टॉल करता हूँ। इसका जो पीज है 1 से 4 में 2 राउंड, 1 से 6 में 3 राउंड। तो आपको कॉइल इंस्टॉल करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपको इंस्टॉल करनी होगी। इनर वायर को आपको लेफ्ट हैंड तरफ से पहले आपको आपकी मर्जी, मैंने तो सभी स्टार्टर जब भी मैं इंस्टॉल करता हूँ लेफ्ट हैंड की तरफ इनर वायर रखता हूँ और राइट हैंड तरफ की आउटर वायर। अब देख सकते हो ये इनर वायर लेफ्ट हैंड तरफ से यानी मेरी तरफ से और राइट हैंड की वायर दूसरी साइड से। तो चलिए पहले आपको इंस्टॉल कहाँ से करने है। अब देख सकते हो यहाँ से स्टार्टर जब इंस्टॉल होगी बॉडी में तो बोल्ट यहाँ से रहेगी। तो पहले इसी स्लॉट में आपको इंस्टॉल करनी होगी 1 से 6, दूसरी तरफ भी यहाँ से 1 से 4 1 से 6। तो यहाँ से बॉडी टच नहीं होना चाहिए। तो पहले इसी स्लॉट में आपको इंस्टॉल करनी होगी 1 से 4 में 2 राउंड। तो दोस्तों मैंने 1 से 4 स्लॉट में 1 राउंड दिया है। अभी देख सकते हो लेफ्ट हैंड तरफ की इनर वायर, राइट हैंड तरफ की आउटर वायर। तो पहले राउंड मैंने 1 से 4 में लगाया है। दूसरे राउंड आपको इस तरह से लेना है, इस तरह से वायर को यहाँ से 1 से 4 में 2 राउंड देना है, क्योंकि स्टार्टिंग कॉइल जब बैठेगी यहाँ से और 1 राउंड लगेगी। तो सभी स्लॉट में 3 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो हो गया हमारा 1 से 4 स्लॉट में 2 राउंड कंप्लीट हो गया। तो और 1 राउंड स्टार्टिंग कॉइल में बैठेगी। तो इसलिए मैंने 5 नंबर की पीवीसी पेपर दे रहा हूँ। उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल की 1 राउंड लगाने के बाद फाइनल मैंने 7 नंबर की पीवीसी पेपर दे दूंगा। तो ये 5 नंबर का पीवीसी पेपर मैंने यहाँ से रखा है, 7 नंबर की पीवीसी पेपर वहां से रखा है। तो जब स्टार्टिंग की 1 राउंड कंप्लीट हो जाएगी इस स्लॉट में 1 से 4 स्लॉट में, तो मैंने 7 नंबर की पेपर इंस्टॉल कर दूंगी। तो देख सकती हो गया हमारा 1 से 4 में 2 राउंड, तो 1 से 6 में 3 राउंड। इस तरह कोई भी परेशानी नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा डालना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगी। देख सकती हो स्टैंड फैन मोटर वाइंडिंग करना बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी परेशान होने का कोई भी बात नहीं है। वायर आपको ज़्यादा मत रखना, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। इस तरह से 2 राउंड लगाएंगे, इस तरह से 2 राउंड लगाएंगे, इसी तरह से। इसी तरह से 2 राउंड हो गया। थोड़ा थोड़ा करके आपको कॉइल में इंस्टॉल करनी होगी। देख सकती हो 2 राउंड कंप्लीट हो गया हमारा, अब 3 राउंड लगानी है।
वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, लेकिन आप ध्यान से देख रहे होंगी तो आपको समझ में आ जाएंगी, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी होगी। खोल दिया। तो लास्ट राउंड आपको किस तरह से लेना है, इसी तरह से आपने दो राउंड लगाया था, लेकिन तीसरे राउंड आपको फुल इस तरह से घुमाना है, इस तरह से आपको दिखा रही हूँ, फुल इस तरह से घुमाना है, बिल्कुल इसी तरह से घुमाना है आपको। तीन कोयल आपस में सीरीज हो जाएंगी इस तरह से। थोड़ा थोड़ा करके आपको इंस्टॉल करनी होगी। आप पहली बार कोयल वाइंडिंग कर रहे तो आप लकड़ी की सहायता से कर सकते हो। इसी तरह से नाइफ आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आप पहली बार जब इंस्टॉल कर रहे हो तो देख सकते हो आसानी से वायर डाल गया। तो इसे मैं 7 नंबर की पीवीसी पेपर से लॉक कर दूंगी, क्योंकि इसमें और कोयल इंस्टॉल नहीं होंगी, इस स्लॉट फुल्ली कंप्लीट हो गया। इस वाले स्लॉट में और एक राउंड आएगी, इसलिए मैंने 5 नंबर की पीवीसी पेपर रखा है, इंस्टॉल किया है। इसी कोयल में स्लॉट में नहीं आएगी कोयल, तो इसलिए मैंने इसको 7 नंबर पेपर लगा के कंप्लीट कर दिया। तो दूसरी तरह भी आपको थोड़ा थोड़ा वायर आपको इंस्टॉल करनी होगी। इस तरह से छुरी आपको नहीं व्यवहार करना चाहिए, आप लकड़ी की सहायता से भी कर सकते हो। देख सकते हो गया हमारा। वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी मैं। बाद मैं साइज कर दूंगी कॉइल को इसी तरह से। देख सकते हो हमारा पहली कॉइल इंस्टॉल हो गया है, अब दूसरी कॉइल की बारी। तो दोस्तों यह हमारा पहला कॉइल का इनर वायर है, इनर लीड है, ये पहला कॉइल का आउटर लीड है। तो सीरीज में कैसे घूमेंगी, आउटर लीड को आउटर लीड से आपको जोड़ना है। तो इस वाले कॉइल का इनर लीड ये है, जिससे और तीसरे कॉइल से कनेक्ट है, तो इसका आउटर लीड इस तरह से निकलेगी। तो पहले आपको किस तरह से करना है, आउटर लीड को आउटर लीड से घुमाना है। तो आप देख सकते हो ये आउटर लीड यहाँ से निकल के आए, एक से चार स्लॉट में गया है इस सेकंड वाले कॉइल के। सेकंड वाले कॉइल इनर लीड थर्ड वाले कॉइल से कनेक्शन है। तो इस तरह से आपको इंस्टॉल करनी होगी, आउटर लीड को आउटर लीड से, इनर लीड को इनर लीड से। तो पिच सेम रहेगी, एक से चार पिच में इंस्टॉल होगी सारी कॉइल। तो इससे भी दो राउंड आपको लगाना है, ठीक इसी कॉइल की तरह। सिर्फ आपको सीरीज वायर ध्यान से देना है, आउटर लीड को आउटर लीड से जोड़ना है और इनर लीड को इनर लीड से जोड़ना है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको कट करके दिखाती हूँ सारी कॉइल इंस्टॉल करके। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने चारों रनिंग कॉइल स्लॉट में अच्छे से इंस्टॉल कर चुका हूँ। ये देख सकते हो ये पहला कॉइल का इनर लीड है, और जो सबसे लास्ट वाला कॉइल है हमारा तीनों स्पीड में निकाला है मैंने। तो पहला स्पीड, सेकंड स्पीड, थर्ड स्पीड। पहला स्पीड मैंने निकाला है 3 नंबर कॉइल से, 4 नंबर कॉइल के जो सीरीज वायर घूम के आया है उसमें मैंने पहला स्पीड निकाला है। उसके बाद सेकंड स्पीड मैंने 60 टर्न से निकाला है, और थर्ड स्पीड 90 टर्न से निकाला है। दोस्तों इस मोटर को मैंने तीनों स्पीड में बना रही हूँ, तो उसके बाद स्लॉट पेपर देके स्टार्टिंग कॉइल आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्टिंग कॉइल बना के आपको दिखाती हूँ।